दोस्तों आज हम लोगों के बीच में ना तो टीपू सुल्तान आएगा, ना हम लोगों के बीच में ना कोई बहादुर शाह जबर आएगा, ना हम लोगों के बीच में ना कोई औरंगजेब आएगा। हम लोगों को डराया जाता है, हम लोगों को धमकाया जाता है। आज हम लोग इतने कायर, इतने बुजदिल हो चुके हैं जो कि हमें बीजेपी के नाम से डराया जाता है, कांग्रेस के नाम से डराया जाता है। क्या हम लोग इसी तरीके से डरते रहेंगे? क्या इसी तरीके से हम लोग कायरता वाला हम अपने आप को दिखाते रहेंगे? सन 47 से लेकर आज तक हम लोगों ने यही बातें सुनते हुए आए हैं कि हम लोगों को बीजेपी खा जाएगी, हम लोगों को कांग्रेस खा जाएगी, हम लोगों को आरएसएस खा जाएगी। क्या हम लोग इतने कमजोर और बुजदिल हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर टीपू सुल्तान ने 1848 में जो जंग आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था, और जो हमारे आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आजादी के लिए अपने आप को मर मिटने का पैगाम हासिल किया था। उस समय सन 47 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे बहादुर शाह जफर को बर्मा के अंदर यहाँ पर अंग्रेज साथ ले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी सर कलम करने की बात कह दी थी। मैं हिंदुस्तान को झुकने नहीं दूंगा, मैं हिंदुस्तान को मिटने नहीं दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान को उन्होंने झुकने नहीं दिया। आपके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वो बर्मा में आज भी दफन है, उनका मजार है। उनसे ये पूछा गया था अंग्रेजों ने, आप क्या चाहते हो, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उन्होंने कहा था, मैं अपने बेटों की शक्ल देखना चाहता हूँ। दोस्तों अंग्रेजों ने उनके बेटे की गर्दन को कलम करके उसे थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया था। उन्होंने कहा, अगर ऐसे बेटों को कुर्बान भी करना पड़े अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं अपने सारे अपने परिवार को भी सर कलम कर सकता हूँ, अपनी गर्दन को भी कलम कर सकता हूँ। साथियों आज हमें और आपको ये देखना है, सन 1947 से लेकर आज तक हम लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है। आज तक हम लोगों को हिंदू मुसलमान के बीच में इन लोगों ने नफरत पैदा कर हम लोगों का वोट बैंक अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया है। हम लोगों को कभी बीजेपी के नाम से डराया जाता है, कभी हमें कांग्रेस के नाम से डराया जाता है। सन 47 से लेकर आज तक हम लोगों ने यही बातें सुनते हुए आए हैं कि हम लोगों को बीजेपी खा जाएगी, हम लोगों को कांग्रेस खा जाएगी, हम लोगों को आरएसएस खा जाएगी। क्या हम लोग इतने कमजोर और बुजदिल हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर टीपू सुल्तान ने 1848 में जो जंग आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था, और जो हमारे आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आजादी के लिए अपने आप को मर मिटने का पैगाम हासिल किया था। उस समय सन 47 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे बहादुर शाह जफर को बर्मा के अंदर यहाँ पर अंग्रेज साथ ले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी सर कलम करने की बात कह दी थी। मैं हिंदुस्तान को झुकने नहीं दूंगा, मैं हिंदुस्तान को मिटने नहीं दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान को उन्होंने झुकने नहीं दिया। आपके आखिरी बादशाह
बहादुर शाह जफर थे, वो बर्मा में आज भी दफन है, उनका मजार है। उनसे ये पूछा गया था अंग्रेजों ने, आप क्या चाहते हो, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उन्होंने कहा था, मैं अपने बेटों की शक्ल देखना चाहता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजों ने उनके बेटे की गर्दन को कलम करके उसे थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया था। उन्होंने कहा, अगर ऐसे बेटों को कुर्बान भी करना पड़े अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं अपने सारे अपने परिवार को भी सर कलम कर सकता हूँ, अपनी गर्दन को भी कलम कर सकता हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों के बीच में ना तो टीपू सुल्तान आएगा, ना हम लोगों के बीच में ना कोई बहादुर शाह जफर आएगा, ना हम लोगों के बीच में ना कोई औरंगजेब आएगा। हम लोगों को डराया जाता है, हम लोगों को धमकाया जाता है। आज हम लोग इतने कायर, इतने बुजदिल हो चुके हैं, जो कि हमें बीजेपी के नाम से डराया जाता है, कांग्रेस के नाम से डराया जाता है। क्या हम लोग इसी तरीके से डरते रहेंगे? क्या इसी तरीके से हम लोग कायरता वाला हम अपने आप को दिखाते रहेंगे?